हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो मेरा नाम परमजीत कुमार, आप देख रहे हैं टेक्निकल ए परमजीत। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, दोस्तों इंडिया में एक और स्मार्टफोन दोस्तों लॉन्च करने जा रहा है। उस स्मार्टफोन का नाम है वीवो V25 5G स्मार्टफोन। दोस्तों, इसका टीजर पेज फ्लिपकार्ट आ चुका है कि इंडिया में कब लॉन्च करेगा और इस स्मार्टफोन क्या क्या आपको एस्पीकेशन मिल रहा है, पूरा डिटेल सर बताने वाला हूँ। वीडियो ऐसे लास्ट तक देखते रहिए, ये वीडियो देखने में बहुत आपको हेल्पफुल मिलने वाला है। सबसे पहले दोस्तों आपको फ्लिपकार्ट के ऐप में आ जाना होगा। जिसे दोस्तों फ्लिपकार्ट के ऐप में आ जाएंगे, आपको यहाँ पे इस टाइप से इंटरफेस मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ऊपर में एक ऑप्शन मिलेगा मोबाइल वाले ऑप्शन, तो आपको इसी मोबाइल वाले ऑप्शन क्लिक करना होगा। आपको यहाँ पे इस टाइप से इंटरफेस मिल जाएगा। मोबाइल का थोड़ा सा मैं साइलेंट कर लेता हूँ दोस्तों, थोड़ा सा नॉइस आता होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे इस टाइप से इंटरफेस आ जाने के बाद आपको यहाँ पे इस टाइप से उसका थोड़ा सा पेज को ऊपर करना होगा, थोड़ा सा पेज ऊपर करना होगा और दोस्तों थोड़ा सा पेज को ऊपर करना होगा। दोस्तों आप यहाँ देखिए टीजर पे आ चुका है V25। यहाँ देखिए लॉन्च डेट बता रहा है 15 सितंबर, इसी ऑप्शन क्लिक करना होगा। जैसे दोस्तों आप इस ऑप्शन क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप यहाँ पे देखते हैं, आपको पता ही होगा कि कुछ मंथ पहले इंडिया में लॉन्च किया था वीवो V25 Pro 5G स्मार्टफोन किया था लॉन्च। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए वीवो V25 स्मार्टफोन जो कि दोस्तों इस यानी कुछ मंथ पहले लॉन्च किया था इंडिया में, जो कि वीवो V25 Pro था। अब ये दोस्तों वीवो V25 5G स्मार्टफोन है, जो कि इसका लॉन्च डेट देख यहाँ पे देख सकते दोस्तों कि 15 सितंबर को भाई इंडिया में लॉन्च कर देगा दोपहर के 12 बजे, जो आपको देखने को मिलेगा, जो आप यहाँ फ्लिपकार्ट ही देख सकते हैं दोस्तों कि यानी 15 सितंबर को भाई इंडिया में लॉन्च कर देगा। तो आज कितना तारीख हो गया, आज हो गया 12 सितंबर, आप 3 दिन वेट करो। दोस्तों आपको यहाँ पे 3 कलर में मिलने वाला ये स्मार्टफोन, जो कि हाल फिलहाल दोस्तों अभी यहाँ पे 2 लाइट यानी 2 कलर में आपको यहाँ पे हाईलाइट किया गया, एक ब्लैक और एक ग्रीन यानी ब्लू, दोस्तों सॉरी ग्रीन नहीं ब्लू कलर, जो कि दोस्तों प्रीमियम में आपको लगने वाला ब्लू कलर, जो कि हाईलाइट करके काफी आपको डिजाइन में आपको लगने वाला, जो कि भाई ग्लास में आपको डिजाइन में आपको स्मार्टफोन मिलेगा। इस स्मार्टफोन आपको मेन हाईलाइट अगर डिस्प्ले साइज, तो दोस्तों आपको इस स्मार्टफोन आपको डिस्प्ले साइज मिल जाएगा 6.5 यानी 4.4 इंच का आपको फुल HD डिस्प्ले मिल जाएगा, यानी क्वालिटी आपको HD डिस्प्ले मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ देखिए बता रहा है, उसके बाद दोस्तों इसमें आपको और हाईलाइट किया गया यहाँ पे सेल्फी कैमरा, तो आपको 50 मेगापिक्सल AI यानी आई आपको यहाँ पे कैमरा मिलने वाला, जो कि आपको बिल्ड क्वालिटी भी आपको जबरदस्त स्मार्टफोन देगा, जो कि 50 मेगापिक्सल यानी 50 मेगापिक्सल का साथ कैमरा आने वाला, जो आप यहाँ पे विजिट करके चेकआउट भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए हाईलाइट भी किया गया, जो कि आपको यहाँ पे रैम भी हाईलाइट किया गया, जो कि 8GB रैम और आपको यहाँ इंटरनल स्टोरेज 8GB आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसमें आपको बैटरी कैपेसिटी बात करो तो दोस्तों इस समय आपको बैटरी मिल जाएगा 5000mAh का बैटरी मिल जाएगा। कैमरा तो बता चुका हूँ भाई आपको 64 मेगापिक्सल मिल जाएगा, 8 मेगापिक्सल 2 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा बताओ तो 50 मेगापिक्सल आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको चार्जिंग बात करूँ तो दोस्तों इस स्मार्टफोन आपको चार्जर मिल जाएगा, 44 वाट का आपको फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट मिल जाएगा, 90Hz का रिफ्रेश रेट भी मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों इसमें प्रोसेसर बात करूँ तो मीडियाटेक डायमेंसिटी 900 का आपको प्रोसेसर आपको मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा खासा आपको प्रोसेसर भी मिल जाएगा। तो इंडिया में कब लॉन्च करेगा मैं आपको बता ही चुका हूँ। अब दोस्तों इसमें आपको एंड्रॉइड 12 का भी सपोर्ट मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर इन डिस्प्ले फिंगर भी सेंसर मिल जाएगा। प्राइस की बात करूँ तो दोस्तों इस स्मार्टफोन का प्राइस होने वाला है 20 से 30 हज़ार के अंदर अंदर, इस स्मार्टफोन का प्राइस होने वाला है 20 से 30 हज़ार के अंदर अंदर में आपको यह स्मार्टफोन मिल जाएगा। अगर आपका बजट है 25,000 या 20,000 रुपये तो दोस्तों आप इस स्मार्टफोन को वेट कर सकते हैं, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम स्मार्टफोन लगने वाला है वीवो V25 5G स्मार्टफोन, जो आप यहाँ पे देखते हैं। तो ये छोटा सा वीडियो था, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलते दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।